सतीश एक बात बताइए कि आजकल जो डिबेट्स होते हैं, सभी चीजों को डिबेट्स लेकर आया जाता है, उन पे सारे वाद विवाद भी होते हैं, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि ये जो मीडिया है ये गोदी मीडिया हो गया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है जबकि निष्पक्ष रूप से मीडिया अपना काम कर रहा है, सभी मीडिया चैनल्स अपनी अपनी बात को दिखाते हैं, सभी लोगों को उसमें बैठाया जाता है, सभी लोगों की उसमें बातों को कहा जाता है, उसके बावजूद भी मीडिया के ऊपर इतना बड़ा लांछन क्यों? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक्चुअली गोदी मीडिया है, जी वो निष्पक्ष नहीं है। आप कभी देखना टीवी पर जब डिबेट आ रही होगी तो एक आदमी बैठा होगा बीजेपी का और एक आदमी बैठा होगा आरएसएस विचारक, और फिर दूसरा आदमी बैठा होगा कांग्रेस का, फिर किसी और पार्टी का आदमी बैठा होगा। मतलब ये हुआ, अगर चार लोग डिबेट में शामिल हैं तो दो लोग तो बीजेपी के हो गए ना, जी तो उनका तो पहली बहुमत हो गया, तो बहुमत हो गया तो डिबेट तो उन्हीं के पक्ष में जानी है। तो बीजेपी को सेंटर्ड मानते हुए आज का जो मीडिया है, विशेष रूप से जी न्यूज, वेरी डेंजरस। ये तो सवेरा होते ही जो है हिंदूवादी पाखंड पर दिखाना शुरू कर देते हैं। इनके दिमाग में केवल योगी मोदी आरएसएस और हिंदूवादी पाखंड, ये किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। हिंदू राष्ट्र घोषित करके इन्हें ना जाने कौन सा नारद मुनि का मंत्र मिल जाएगा, ये ना जाने ऐसे कौन सी चीज इन्हें मिल जाएगी। ये इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो है ऑर्गेनिक खेती की जाए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए जाएं, एजुकेशनल डेवलपमेंट किए जाएं, फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल देयर हैज टू बी ऑर्गेनाइज सम वर्कशॉप्स। ये वो नहीं, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया को टाइप टाइप करना तो आता नहीं जो स्किल इंडिया की बात कर रहा वो आदमी है, वो कंप्यूटर का ऑल्ट नहीं जानता, ऑल्ट कंट्रोल क्या होता है उन्हें नहीं पता, वो स्किल इंडिया की बात करने के लिए बात कर। तो समस्या ये है कि ये जो लोग हैं, जो मीडिया है, ये मीडिया विशेष रूप से बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को प्रमोट करने का मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। और अगर बीजेपी नहीं है तो फिर कांग्रेस है, अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस है। समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं, बात चली है, मान के चलो रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्यों? माना इस मुद्दे पे बात चल रही है, पर जानते हो इस मुद्दे पे कौन बोलने लगा? संबित पात्रा, संबित पात्र, गधैया की पूंछ। उसे क्या पता आर्थिक मुद्दे होते क्या है? उसे क्या पता? वो इकोनॉमिस्ट है, उसने एमबीबीएस करा और डॉक्टर बन गया। डॉक्टर वो उड़ीसा भुवनेश्वर में डॉक्टर भी फेल था, वो उसकी दुकान ही नहीं चली, डॉक्टर की क्लिनिक ही नहीं चला, तो वो कैसे चर्चा करेगा इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर? इकोनॉमिक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कैसे व्यक्ति को बैठाओ जो इकोनॉमी की समझ रखता हो? जीएसटी की बात करने के लिए उस आदमी को बैठाओ जो टैक्स की समझ रखता हो, वहां बैठ बैठ के चर्चा करना है रामदेव। रामदेव क्या करेगा इसमें? ऐसे मतलब मुद्दा कुछ है और एक्सपर्ट है ही नहीं लोग। एक बताओ, एक चैनल एनडीटीवी को छोड़कर एक चैनल बताओ जो एक्सपर्ट को लेकर के किसी निर्धारित मुद्दे पे बात करता। जब बात चल रही है लिंचिंग की, बात चल रही है गाय की हत्या हो गई, लिंचिंग हो गई, लिंचिंग मतलब ये हो गया एक सामाजिक अपराध हो गया, तो ये बताओ कितने समाजविद या समाज शास्त्री आकर के चर्चा करते हैं? नॉट इवन अ सिंगल वन। संबित पात्रा बोलेगा वहां, वो क्या बोलेगा? मैं सहमत नहीं, ये जो मीडिया है ये बिकाऊ मीडिया।